मैं सुरेश वडारा जिलाध्यक्ष उज्जवला दुबफा मंडल, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है मंडी शुल्क के पूर्ण माफी के लेकर है, क्योंकि 5 जून को केंद्र सरकार ने पूरा मंडी शुल्क माफ कर दिया था, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंडी को के साथ पूरा माफ नहीं किया है। इन्होंने एक नया नियम बना दिया व्यापारियों के साथ में कि जो मंडी के बाहर व्यापारी माल खरीदेंगे उसको पूर्ण मंडी शुल्क माफ, उसको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। और जो हमारे बेचारे मंडी के अंदर व्यापारी हैं, सालों से दुकान का किराया दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, उसके लिए मंडी शुल्क का लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसको मंडी शुल्क भी देना पड़ेगा 2.5%। तो हमारा इसके विरोध में 2 साल से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय जी, आपकी मांग हमारी ये है कि पूर्ण मंडी शुल्क माफ की जाए, लाइसेंस मुक्त किया जाए, अंदर न बाहर एक सा किया जाए और हमारे देश में एक देश एक टैक्स का वो किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं अन्य राज्यों में टैक्स में बहुत भिन्नता है, कहीं 1% कहीं 2%। तो हम ये चाहते हैं कि जब माननीय योगी जी ने GST लगाई थी उस समय उन्होंने अपना वचन भी दिया था कि देश में एक टैक्स एक राज्य होगा, वो लागू करना चाहते हैं, वो हमारी मांग है। मंडी शुल्क पूर्णतः समाप्त होना चाहिए और जो व्यापारियों को सुविधाएं हैं वो पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए, बाहर अंदर एक सी माफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी एवं कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया और एक झटके में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा पैसा मिले, व्यापारियों का इंस्पेक्टर रास्ते उत्पीड़न समाप्त हो। परंतु हमारे प्रदेश में ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय योगी जी कुछ नौकरशाहों के कहे में आकर और उन्होंने मंडी शुल्क को 2 रूप दे दिए, एक मंडी समिति के भीतर जो व्यापार करते हैं और एक जो मंडी समिति के बाहर करते हैं। अब मंडी समिति के भीतर उन्होंने 2% कर दिया है और मंडी के बाहर तो चूंकि उनका बस नहीं चला, नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट निर्देश है कि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के भीतर प्रदेश सरकार की इच्छा पर निर्भर है, तो उन्होंने 2% लगा दिया, जिसका कि नुकसान सभी व्यापारियों, मिलर्स को, किसानों को, सभी को होगा। जब किसान का उसके घर पर 2% तेज माल बिकेगा, लाने का भाड़ा बचेगा, तो मंडी में क्यों लाएगा, और जब नहीं लाएगा तो हम लोग मंडी में दुकानें लेके क्या करेंगे, हम लोग बेरोजगार होंगे, हमारे कई व्यापारी भाई आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। 3 महीने से हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया प्रदेश सरकार से और अपने केंद्र सरकार को, अपने व्यापार बंद रखे, लाखों करोड़ों रुपया की हम लोगों ने आर्थिक हानि सही, फिर भी देश के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, जो करवानियां थी वो दी हैं। परंतु ये कुछ नौकरशाह जो हमारे माननीय योगी जी को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी को कहना चाहता हूं कि उन नौकरशाहों के कहने में ना आए, और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो निर्णय लिया है मंडी शुल्क समाप्ति का, वो पूरी तरह से समाप्त करके इंस्पेक्टर राज को समाप्त करें एवं व्यापारियों, किसानों और मजदूर जो भी है उन सबको राहत दें, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि किसान को उसकी उपज का 2 गुना दाम मिलना चाहिए, परंतु जब ये टैक्स लगेंगे तो कहाँ से उसको 2 गुना दाम मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मंडी के भीतर जो भी मंडी शुल्क है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि एक देश में 2 कानून नहीं चलते, यहाँ तो योगी जी एक प्रदेश में 2 कानून चला रहे हैं, मंडी के भीतर कोई और मंडी के बाहर कोई और।